मतलब वर्गा तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एस अभी में लव बर्ड ब्रीडिंग सीजन सीरीज एपिसोड 24। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगी और बहुत ही मज़े की वीडियो है। आज जो हम सेटअप विजिट करने आए हैं, मोस्टली तो हम जो सेटअप विजिट कर रहे होते हैं वो लव बर्ड्स के होते हैं, लेकिन आज जिस सेटअप में हम आए हैं यहाँ हमको हर बर्ड्स मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन रा, रिंग नेक, लव बर्ड्स, कॉकटेल्स। सेटअप भी विजिट करते हैं और कब से ये शो जारी है सारा आपको डिटेल में बताते हैं जी। माशाल्लाह वंस अगेन हमारे साथ जो है तलत भाई मौजूद हैं और उनके साथ जी शाहिद भाई जिनका ये सेटअप है जी। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेर यार वंस अगेन आपका थैंक्स यार। ये बर्ड्स जितना इन्हें के खुश रख सो ना ये तुहानू खुश कर सन, वो ये भाई हैं जी। ठीक है, ये माशाल्लाह से शौक कर रहे हैं 1991 से ये शौक कर रहे हैं और अभी तक ये जारी और सारी है। इन्होंने माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन पैरट से शुरू किया था, फिर उसके बाद इन्होंने बिग बर्ड्स का ज़्यादा इनका काम है। अभी लव बर्ड कॉकटेल्स वगैरह भी, कॉकटेल्स का इनको खासा शौक है। ठीक है, कॉकटेल इन्होंने जो है ना वो अपने शौक के लिए रखे हुए हैं। बाकी लव बर्ड्स भी है, लव बर्ड में म्यूटेशन लगाई हुई है टेल फैलो तक। इसके अलावा रॉ रिंगनेक, इसके अलावा रिंगनेक में मोटिशन जो जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रही है येलो रिंगनेक हो गया, इसके अलावा ये बीच में ऑलिव है, इसके अलावा लवबर्ड्स हैं। तो आगे मज़ीद आप शाहिद भाई से आपकी बात करवाते हैं जी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शाहिद भाई, मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि आपने बर्ड जब स्टार्ट किए थे कहाँ से आपने बर्ड से स्टार्ट लिया और कहाँ कैसे कैसे जो है वो फिर आपने सेटअप में मज़ीद इजाफा करते रहे, और जो आपका पर्सनली जो ज़्यादा शौक है वो कौन सा बर्ड गया ये भी बताइएगा, और आपको इसमें कितनी हर्डल्स आई, कितनी मुश्किलात आई और इसमें नुकसान भी हुआ होगा आपको, तो कैसे आप ये सारा फेस करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं माशाल्लाह, तो ये सारा जो है हमें आप गाइड करें। वालेकुम सलाम। ये जो शौक है मेरा बचपन से स्कूल टाइम से शुरू किया हुआ और ऑस्ट्रेलियन से शुरू किया था, जैसे शुरू से शौक होता है। तो इसके बाद फिर लव बर्ड मैंने लिए, लव बर्ड से आस्ता आस्ता रिंग नेक ले लिए, रिंग नेक से बढ़ाते बढ़ाते रा लिया, और इस तरह ये मेरा ये शुरू हुआ काम, मतलब के शौक भी है और बिजनेस भी है। पहले शौक था, शौक के साथ साथ इसको बढ़ाते गए हैं, उसको बढ़ाने के साथ साथ मैं बिजनेस की तरफ आ गया। लव बर्ड रखे हैं, लव बर्ड को बुलाया है मैंने, मकसद लव बर्ड रखे हुए हैं और आपको लव बर्ड दिखाते हैं। और एक बात आपको मैं बताऊं शायद भाई की, जो न्यू फैंसियर के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है कि शायद भाई का कोई भी सोशल मीडिया पे आप इनको देखेंगे इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी इनका ग्रुप्स में होता है ना, हर बंदा ग्रुप्स में है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इनको आप नहीं देखेंगे, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके ब्रीड शुरू से सेल कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं। चलते हैं जी अंदर और आपको सेटअप दिखाते हैं, और जो हर न्यू फैंसियर जहाँ से स्टार्ट लेता है ठीक है, और जो उसका पहला मरला होता है वो बजट से स्टार्ट लेता है जी, तो यहीं से स्टार्ट लेंगे। और बड़ी बात है जी कि इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद भी जो है इन्होंने बजिस को नहीं छोड़ा जहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया था, और माशाल्लाह पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। तो माशाल्लाह जी बताइएगा इसके बारे में शायद भाई के कैसे इसको मैनेज करते हैं। माशाल्लाह जी बहुत पुराने रखे हुए हैं, साथ साथ बच्चे से निकलते हैं, सेल करते रहते हैं और कभी बढ़ जाते हैं, कभी इनको फिर कम करना पड़ता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया इनको। चलिए अच्छी बात है, शुरू से इनसे मेरा बहुत मतलब प्यार मोहब्बत है, तो इन्हीं से ही मैंने आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे हैं तो लव बर्ड्स में रसनाटा की जो है वो कॉलोनी लगी हुई है, इसमें भी टोटल जो है वो नहीं अल्बाइनस वगैरह भी हैं, ये मिक्स पे लगाए हुए हैं। बहर ज़्यादा पर्सनाटा है, येलो पर्सनाटा है। अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने चिक्स निकाले हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं इनके माशाल्लाह, और कहीं ने मतलब हैचिंग की हुई है, अंडे दिए हुए हैं ये है, और बाकी वन बाई वन पेयर लगे हुए हैं। अल्बानी ब्लैक है इसका पेयर है माशाल्लाह, और इसने चार बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं ये माशाल्लाह। और ये सेकंड नंबर पे ये भी ब्लैक आइज का पेयर है। अच्छा, और इसके भी माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं। पेयर है बिलू पर्सनाटा का है माशाल्लाह, इसमें भी एक्टिंग की हुई है, इसके चार बच्चे निकले हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह भी है छोटे हैं ये।
और आगे नेक्स्ट जो है बिलू टू फिशर का पैर है माशाल्लाह, इसमें भी बच्चे निकाले हुए हैं, इसके पास भी चार बच्चे बॉक्स में मेरे ख्याल से। अगे नेक्स्ट ये भी ब्लू टू ब्लू है, इसके मतलब के एग्स आए हुए हैं, इसने बच्चे नहीं निकाले, लेंग स्टार्ट होगी। हाँ जी लेंग इसके स्टार्ट है। ये जी अल्बाइनो का नेक्स्ट पेयर है और इसके नीचे मैंने फास्टिंग किए थे बच्चे, माशाल्लाह से चार बच्चे सर्वाइव हो चुके हैं, काफ़ी पल चुके हैं। पैर है अल्बानो टू लकीनो परसनाटा, इस पर भी माशाल्लाह बच्चे निकाले हुए हैं, लकीनो के बच्चे हैं। कॉमन वाइट इन्हें कहा जाता है जी, ये दूसरे हैं इनो इनो वाइट वाले, रेड आइज वाइट। माशाल्लाह इसने एक बच्चा निकाला हुआ है, एक अंडा पड़ा हुआ है। इसके आगे एक पैर है फिशर टू अल्बाइनो, माशाल्लाह इसके भी बच्चे आए हुए हैं, बॉक्स में ही है मेरे ख्याल, बॉक्स में है। फिशर की फीमेल है, अल्बाइनो का मेल है। अल्बाइनो लटीनो और ब्लू मार्क। अच्छा कॉकटेल है नीचे। हाँ जी ये माशाल्लाह जी कॉकटेल का पेड़ है, इसके ये बच्चे पहले वाले बाहर आ गए हैं, दोबारा इसने फिर बच्चे निकाला हुआ है एक, माशाल्लाह से हैचिंग कर रही है जी, फिलहाल एक बच्चा निकाला हुआ है इसने। सही माशाल्लाह। पार्बलू टू फिशर मिस्ट्री में है और इसके माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, तीन बच्चे इसने माशाल्लाह निकाले हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा ये माशाल्लाह पैर है मेरे पास जी फिशर और ब्लू सिप्लेट का है, माशाल्लाह इसने भी चिक्स निकाले हुए हैं, काफी मतलब बड़े हो चुके हैं, अब तो बाहर आने वाले हैं। माशाल्लाह मैंने देखा आपने कमर्शियल में माशाल्लाह लव बर्ड बहुत अच्छे लगाए हुए और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपके पास, माशाल्लाह मजीद बरकतें डालें। और म्यूटेशंस पे आपने नहीं वर्क किया, मतलब ऊपर नहीं गए लव बर्ड में जी? म्यूटेशन में माशाल्लाह हमने पहला कदम उठाया है। अच्छा माशाल्लाह हमने जी माशाल्लाह ये वर्किंग का पैर एक लिया है सेपरेट, उसका टेल फैलो का सेपरेट है, माशाल्लाह से लेंगे इसकी स्टार्ट हो गई है। सही। ये जी शरियार में रात को आया था, मुझे उस्ताद जी बता रहे थे कि इसमें जो है मेल अंदर चला गया मेरे ख्याल में, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फैलो, ठीक है, और मेल जो है वो ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फैलो, ये फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल बाहर बैठी हुई है, देखें अभी भी लोड है, इसने लेइंग स्टार्ट की हुई है माशाल्लाह। ये उस्ताद जी ने इसके साथ जो मेल लिया था वो अभी बताने का मकसद ये है कि लॉस जो इसमें नुकसान भी होता है, इनका एक पेल फैलो का विजुअल जो है ग्रीन ओपलाइन पेल फैलो मेल जो एक्सपायर हुआ, फिर उन्होंने स्प्लिट लिया है इसके साथ मेल। अल्बिनो ब्लैक आइज का है माशाल्लाह, इसकी भी लाइन आई हुई है, इसमें माशाल्लाह से चार बच्चे निकाले हुए हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नेक्स्ट पेयर है जो है वो क्रीम इनो इनटू अल्बाइनो स्प्लिट है और बहुत माशाल्लाह जी तैयार है, इसको नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते इनको इंशाल्लाह इसको हमने बॉक्स लगाना है, ठीक हो गया। हम लोग एज का थोड़ा सा वो थोड़ी सी कम सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्बाइनो टू फिशर है मेरा पुराना पेयर है माशाल्लाह। अच्छा और अच्छी प्रोग्रेस देता है ये, पाँच छः बच्चे निकालता है माशाल्लाह से,
अभी भी इसने 5 बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह, अभी मतलब के छोटे बच्चे हैं इसके पास। चले जी अल्लाह पाक बरकत डाले। माशाल्लाह से जी जो केज बाई केज प्रोग्रेस नहीं दे रहे थे इनको मैंने कॉलोनी में छोड़ दिया है और इधर माशाल्लाह लेइंग स्टार्ट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, आपने ऑस्ट्रेलियंस भी देखे हैं, बर्ड्स बजीज देखे हैं, लव बर्ड्स की कॉलोनी देखी हैं, उसके बाद लव बर्ड्स में म्यूटेशंस भी आपको दिखाई हैं, कमर्शियल में माशाल्लाह बर्ड्स लगे हैं और कॉकटेल्स भी देखे माशाल्लाह, बहुत जो है वो दिल खुश हुआ आपका सेटअप देख के। शायद भाई अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें डाले। आप चलते हैं जी बड़े बर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहले जो बर्ड्स हम देखेंगे बिग बर्ड में वो रोज़ीला। ये रोज़ीला गोल्डन मेंटल की फ़ीमेल और रेड साइनमन का मेल है। ये माशाल्लाह अब बहुत प्यारी में है इस वक्त और इंशाल्लाह ये क्रॉसिंग हो रहे हैं, ये इंशाल्लाह लैंग करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पेयर कौन सा जी? ये माशाल्लाह जी रिंग नेक का ऑलिव का पेयर है, ये मेरे घर की ब्रीड है माशाल्लाह, मैंने इसको रोका हुआ है और ये मतलब अच्छी प्रोग्रेस दे रहे हैं, येलो और ग्रीन के बच्चे मतलब निकालते हैं ये। नेक्स्ट आ गया जी हॉट आइटम। हॉट आइटम जी है ये येलो रिंग नेक है माशाल्लाह जी, मेरा काफ़ी मतलब पुराने पेयर है माशाल्लाह जी, ब्रीडर हैं ये सारे माशाल्लाह जी। माशाल्लाह से येलो रिंग नेक का माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह से येलो रिंग नेक पेयर है। येलो येलो हुआ है, अल्लाह पाक मजीद बरकतें डालें। 7-8 पेयर हैं माशाल्लाह से, मतलब आपका जो सही असल जो शौक है, जो आपके फेवरेट बर्ड हैं वो यही होंगे। ये येलो रिंग नेक का मेरा सही असल शौक है, ये शुरू से अच्छा लग रहे थे मुझे, इसलिए इनको रोका हुआ मैंने माशाल्लाह जी। इनको भी आपने बॉक्सेस नहीं दिए हुए ना? बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इनको बॉक्स लगाने हैं, जरा थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए ना जरा फिर इंशाल्लाह। अच्छा शायद ये मुझे इधर एक ग्राह का पेयर भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, और कैमरा हमारा फोकस कर ले माशाल्लाह जी, देखिए ये राह का पेयर भी आपने। हाँ जी माशाल्लाह से ये शौकिया रखा हुआ है जी, तो माशाल्लाह मेरे पास 5-6 पेयर थे वो सेल कर दिए, बस एक ये शौकिया रखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, ये स्पेयर्स रखे हुए आपने? हाँ जी, ये स्पेयर मेल फीमेल एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, किसी का मतलब उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी माशाल्लाह, शायद भाई का सेटअप विज़िट किया, बहुत ही अच्छा लगा, अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें डालें। और मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुझ समेत जो न्यू फैंसियर हैं वो ये कहते हैं कि हमने बर्ड्स लगाए हैं तो अगले दिन हमें इसकी प्रोग्रेस आ जाए और बहुत बड़ा सेटअप हो जाए। तो शायद भाई ने 91 का जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और माशाल्लाह आज इतना बड़ा सेटअप है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अच्छा शायद भी मेरा एक सवाल है कि जो न्यू फैंसियर है उसके लिए हॉबी इतनी मुश्किल कर दी गई है कि जी आप अपने बर्ड्स को जो है वो विटामिन दें, कैल्शियम दें, तो माशाल्लाह आपका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और आप अपने बर्ड्स को कौन से विटामिन कैल्शियम यूज़ करा रहे हैं? कैल्शियम वगैरह का कुछ भी नहीं डालता हूँ, कोई दवाई नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ नेचुरल डाइट है, दाल दाना देता हूँ, सब्जियाँ देता हूँ इनको माशाल्लाह से, और डेलीज पे रखा हुआ है कि रोज़ाना कोई ना कोई सब्ज़ी देनी है और दिन को शाम को दाल दाना देता हूँ माशाल्लाह, उससे ये मेरी प्रोग्रेस है सामने आपके सारी। मैं मतलब कि कैल्शियम डालता हूँ ना, वो समुद्री जाग है और अंडों के छिलके हैं जो उबले हुए अंडे डालता हूँ अंडा ब्रेड में, वो सुबह का नाश्ता देता हूँ और दिन को इनको मतलब दाल दाना देता हूँ जिनमें काले चने, सफेद चने, लाल लोबिया है और गंदम है, मिक्स ऑक्सीड जो बना ठीक मिक्स, और उसमें एक आधी सब्जी गाजर या शिमला मिर्च डाल देता हूँ और उसमें थोड़ा सा मतलब मुरिंगा पाउडर ऐड करता हूँ। सही माशाल्लाह। और ये है कि जो आजकल ये दवाइयाँ शवाइयाँ दे रहे हैं वो तो हमें तो उनका नाम भी नहीं पता और ना ही हमने कभी वो दवाइयाँ दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जी, वो तो हमने देखा है नहीं माशाल्लाह जी। एक न्यू फैंसियर के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जैसे शायद भाई ने बताया कि जी हमने वो विटामिन जो आप यूज़ कराते हैं एक न्यू फैंसियर, हमने वो नाम ही नहीं सुने और ना कभी यूज़ कराया है, नेचुरल डाइट पे बर्ड को रख के इतनी अच्छी प्रोग्रेस है, हर बॉक्स में माशाल्लाह चिक्स लेइंग्स आ रही हैं माशाल्लाह, और कॉलोनीज़ के अंदर भी जो है माशाल्लाह लेइंग स्टार्ट हुई हुई है, हैचिंग स्टार्ट हुई हुई है। तो नेक्स्ट जब हमने विज़िट करना है इंशाल्लाह, जब जो रिंग नेक्स वगैरह उनको बॉक्स लग जाएंगे, लिंक स्टार्ट होगी,
तो दोबारा से जो है शायद भी हम आपकी तरफ आएंगे और फिर दोबारा जरूर इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल भी, उसकी वजह यह है कि ना कोई टिकटॉक है, ना कोई इंस्टाग्राम है, ना कोई यूट्यूब चैनल है, मतलब सोशल मीडिया पे कोई इनका ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या कोई व्हाट्सएप ग्रुपिंग वगैरह नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी जो है वो सेलिंग हो रही है, बर्ड्स आ रहे हैं, बर्ड्स बिक रहे हैं। तो जैसे इस फील्ड में ये बताते हैं कि जी हर्डन्स भी आई हैं साथ साथ के, येलो रिंग नेक का जो मेल था मतलब वो सुबह ठीक था और शाम में था वो एक्सपायर, ऐसे ही हुआ था जी? हाँ जी बिल्कुल, सुबह एकदम नशा हमने डाला है। अच्छा, माशाल्लाह एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन दिन को ऊपर आया दोबारा चेक कर रहे हैं, देखा तो मेल एक्सपायर हुआ पड़ा था। तो ये चीज़ भी जो है वो साथ ही है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह तलब भी आपकी तरफ आएंगे तो वहाँ भी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। और जो मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ जिस वीडियो का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनेगी और आपको बताएंगे जी, एक नई चीज़ जो है आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और वो नई चीज़ क्या है वो आपको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पता लगेगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी तलब भाई, अस्सलाम वालेकुम शायद जी।